टुडे हमने एक वेरी इम्पोर्टेंट इशू जो है वो डिस्कस करना है यूट्यूब से रिलेटेड। यूट्यूब से रिलेटेड हमने जो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स हैं इनसे रिलेटेड हमने जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करनी है। नंबर वन पे आप सबसे पहले तो ये जहन नशीन कर लें कि अगर किसी का कंटेंट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स के अगेंस्ट नहीं है और आप उसको रिपोर्ट्स कर रहे हैं, यूट्यूब उसको हरगिज़ बैन नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बंदे का कंटेंट बिल्कुल प्योर है, यूट्यूब ने उसको रिव्यू किया है और आपने ऐसे ही उसके ऊपर रिपोर्ट्स की हुई हैं, यूट्यूब उसको कभी नहीं हटाएगा। हाँ, अगर आप उसका कंटेंट वाकया ही कोई वायलेटेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, चाइल्ड अब्यूज़िव है, अगर उनका कंटेंट चाइल्ड अब्यूज़िव है या आप एक भी रिपोर्ट करते हैं और अगर यूट्यूब ने रिव्यू कर लिया तो फौरन उसका कंटेंट रिमूव होगा, यहाँ तक कि ऑन अ सिंगल रिपोर्ट। एंड इफ़ उसका कंटेंट नहीं है चाइल्ड अब्यूज़िव और आपने 100 रिपोर्ट भी कर दी, तब यूट्यूब उसका कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि जब आप रिपोर्ट करते हैं तो यूट्यूब उसके बाद जाके रिव्यू लेता है, देन यूट्यूब जाके उसके ऊपर कोई डिसीजन जो है वो डिसाइड करता है और वो कंटेंट को रिमूव करता है या रहने देता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है लोगों का कि कितनी रिपोर्ट से उड़ेगा, उसका जवाब जो पहला जवाब था उसी के अंदर है कि अगर तो आपने रिपोर्ट की है दुरुस्त यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के मुताबिक तो आपकी एक रिपोर्ट से भी वो वीडियो रिमूव हो सकती है, और अगर आपने की है गलत रिपोर्ट तो फिर आप उसकी बहुत सारी रिपोर्टें करें तो भी नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन, क्या हम पूरे यूट्यूब चैनल को रिपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप पूरे यूट्यूब चैनल को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। उसका तरीका हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कि क्रोम के अंदर जाके हम कैसे मल्टीपल वीडियो सेलेक्ट करके उसका पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल जो है वो हम बैन करवा सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी ईजी, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, और ये ईजी है, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। उसमें ये होता है कि YouTube रिव्यू मस्ट करता है उस कंटेंट को, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो रिव्यू किए बगैर ही वो कंटेंट रिमूव कर दे, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी से दुश्मनी उतारना चाहते हो और उसको जो रिपोर्ट मारना स्टार्ट कर दे तो YouTube उसका चैनल रिमूव कर देगा या उसकी वीडियो रिमूव कर देगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, आप उसको रिमूव करवाना चाहते हैं तो, और वाकई ही वो कोई कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो उसके लिए आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा, बिकॉज उसकी हैवी ऑडियंस है और जिस चैनल पे ऑडियंस हैवी होती है वो उतना ज़्यादा सेफ होता है। ये बात एक आज आप जहन नशीन कर ले, क्योंकि जिस चैनल पे ऑडियंस हैवी होती है यूट्यूब उसको प्योर से प्योर चैनल मानता है, यानी यूट्यूब समझता है कि इस बंदे में वाकई ही कोई इंट्रैक्शन है तो इतनी हैवी ऑडियंस आ रही है। आप देखते हैं YouTube की दुनिया में जो चैनल सस्पेंड होते हैं, जो चैनल डिसेबल होते हैं, जो रिमूव किए जाते हैं, उनमें मोस्टली अगर आप 1000 चैनल पकड़ के देखें, मैं यूं भी नहीं कहूँगा कि 99%, या यूं भी नहीं कहूँगा कि 100 में से 99 चैनल, मैं यूं कहूँगा कि 1000 में से जो होते हैं वो अपना 99.5%, यानी कि बहुत ज़्यादा चैनल वो होते हैं जो छोटे चैनल होते हैं जिन्होंने कोई ना कोई सरगर्मी यूट्यूब की कम्युनिटी के अगेंस्ट की होती है। ये आप बात एक्सेप्ट कर लें, ये आप मान लें कि यूट्यूब जब भी हमारा चैनल डिसेबल करता है या उसको सस्पेंड करता है, हमारी गलती, हमारी कोई ना कोई कार्रवाई उसमें शामिल होती है कुछ ना कुछ। एंड इवन अगर YouTube अपनी गलती से उसको रिमूव कर देता है, मतलब YouTube ने मिस टेक की और वो रिमूव कर दिया, फिर आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं, वो आपको रिकवर भी करके देता है। मैंने ये काफ़ी बार नोट किया है, मैंने खुद अपने कई चैनल रिकवर किए हैं, वरना लोग ये होता है कि एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं YouTube की गलती है। YouTube की अक्सर गलती नहीं होती, अक्सर गलती हमारी होती है, गलती होने के बावजूद हम YouTube पर जाकर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारा चैनल वापस कर दो, हमने कोई गलती नहीं की, हालाँकि हमने गलती की होती है और फिर YouTube के सामने हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। मैंने 3 से 4 चैनल, मेरा लेटेस्ट एक बहुत बड़ा चैनल था, मैंने उसको रिकवर किया एंड विद इन 11 to 12 hours यूट्यूब ने वो चैनल वापस कर दिया, सिर्फ 11 से 12 घंटों में। जस्ट रीज़न कि मैं ठीक था, यूट्यूब ने फौरन रिस्पॉन्स किया, और अगर मैं गलत होता यूट्यूब कभी भी रिस्पॉन्स ना करता, मैं फिर कुछ भी कर लूँगा।